क्वेश्चन नंबर 53। इफ़ द इक्वेशन कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल सॉल्यूशंस फॉर थीटा देन लैम्डा लाइज इन द इंटरवल। तो ये आपसे पूछ रहा है, ये आईटीजे 2020 का क्वेश्चन है और ये इसका ऑप्शन बी है। कैसे आया ये देखते हैं हम लोग, इसको करते हैं। तो क्वेश्चन 53, तो यहाँ पर सबसे पहले कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद जो है इसमें जो है प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दीजिए और घटा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा होल स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब उसके बाद जो है इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, जो कि ये साइन 2 थीटा दे देगा। तो ये 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। अब उसके बाद सिंस साइन स्क्वायर 2 थीटा इज़ द एलिमेंट ऑफ 0 to 1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर में वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। साइन थीटा की वैल्यू, साइन टू थीटा की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच आएगी, लेकिन स्क्वायर लग गया इसलिए माइनस वन से जीरो को हम लोग नहीं ले सकते, माइनस वन से लेकर के जीरो से पहले तक की वैल्यू को नहीं ले सकते, लेकिन जीरो को ले सकते हैं, इसलिए क्लोज इंटरवल लगा, तो जीरो से वन हो गया। अब जो है हमने जो है यहाँ पर हाफ का मल्टीप्लाई कर देते, तो हाफ साइन स्क्वायर टू थीटा जो हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी हाफ का करोगे तो 0 × ½ जीरो ही रहेगा और ये हो जाएगा 1/2। अब इसमें माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो, 1/2 साइन स्क्वायर टू थीटा, दिस इज़ द एलिमेंट ऑफ माइनस 1/2 टू जीरो हो जाएगा, इंटरवल चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 को ऐड कर दो, तो 1 - 1/2 साइन स्क्वायर टू थीटा इज़ द एलिमेंट ऑफ 1/2, 1 हो जाएगा। 1 इसमें भी जुड़ेगा, इसमें भी जुड़ेगा, तो यही आ गया। अब हमें पता है कि कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 है, तो लैम्डा कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइनस है, मतलब ये जो भी वैल्यू आई है यही तो है, ये है जो हमने निकाला था, ये जो आई है वैल्यू यही तो है ना, ये चीज़ कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। तो यानी इसकी जगह हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 - ½ साइन स्क्वायर 2 थीटा, और इसका इंटरवल 1/2 से 1 है और माइनस साइन लग गया, तो इसका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो आप समझ चुके होंगे, यानी -1 से -½ हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देयरफॉर लैम्डा लाइज इन द इंटरवल, यहाँ माइनस साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा -1 से -½। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 54 क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ये भी आईआईटी जेई का ही है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ आर सच डैट द इक्वेशन कॉस 2x प्लस अल्फा साइन x इक्वल टू 2α - 7 हैज अ सॉल्यूशन देन s इज इक्वल टू, तो बताइए s किसके इक्वल होगा। तो s जो है इक्वल होगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2019 का क्वेश्चन, आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस 2x प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू 2α - 7, तो कॉस 2x प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू 2α - 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 sin² x प्लस अल्फा साइन एक्स इक्वल टू 2α - 7।
अब इसमें जो है हम लोग ये भी लिख सकते हैं माइनस, ये वाला चीज़ सब इधर ले जाएं अगर, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फ़ा साइन एक्स, और जो है आगे प्लस टू अल्फ़ा माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका जो है अगर हम लोग जो है सॉल्व करेंगे तो इसमें जो है वैल्यू आएगी, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, टू कॉमन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए फोर हो जाएगा सॉरी, और इधर से जो है अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस टू, और इधर से आ जाएगा ये साइन एक्स प्लस टू, ये टू पहले से था, माइनस अल्फ़ा साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो हो गया। अब साइन एक्स माइनस टू को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा टू साइन एक्स प्लस टू माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस टू इक्वल टू, ये हो जाएगा ये जो है टू, इसको वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पर जो है इसको टू साइन एक्स प्लस फोर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो साइन एक्स जो है हमारा एक तो हो जाएगा यहाँ पर टू के इक्वल, और यहाँ से अगर निकालेंगे तो हमारा टू साइन एक्स प्लस फोर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो, तो साइन एक्स हो जाएगा फोर माइनस अल्फ़ा बाई टू, ये हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जो है माइनस वन से प्लस वन के बीच में होती है, तो इसलिए रिजेक्ट हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू फोर माइनस अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं सिंस साइन एक्स वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बट लेस देन और इक्वल टू वन, तो यहाँ पर हम लोग जो है फोर माइनस अल्फ़ा बाई टू लेस देन आर इक्वल टू लिखेंगे, फिर इसको जो है सॉल्व करेंगे तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस टू फोर माइनस अल्फ़ा, ये हो गया टू। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि फोर को पूरे में ऐड कर देंगे, तो फोर माइनस टू ये टू हो गया, और ये माइनस अल्फ़ा हो गया, और ये सिक्स हो गया। अब जो है इसको जो है हम लोग माइनस से, ये जो है हमारा फोर माइनस अल्फ़ा, सॉरी यहाँ मैंने मिस्टेक किया है, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस फोर होगा, तो यहाँ माइनस साइन लगा लेते हैं, अब सही हो गया। तो ये माइनस साइन यहाँ लगा दिए, यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए, तो ये माइनस फोर हो जाएगा, और प्लस फोर ऐड करेंगे तो कट जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस अल्फ़ा रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो टू से सिक्स के बीच आ रही है, यानी इसका जो ऑप्शन है डी वाला सही है। अब देखिए 55 क्वेश्चन पे आते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस पूछ रहा है इज, इसमें कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, तो आइए करते हैं 55 क्वेश्चन। तो 55 क्वेश्चन में नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो इसको पहले लिख लेते हैं, वन प्लस साइन की पावर फोर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स, इसको लिख लेते हैं हम लोग, वन प्लस साइन की पावर फोर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स हो गया। अब इसको जो है पहले तो इसका रेंज निकालते हैं, तो रेंज ऑफ वन प्लस साइन की पावर फोर एक्स कितना होगा, इसकी रेंज हमें पता है कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ पर, माइनस वन तो कह नहीं सकते क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो फिर से प्लस वन ही दे देगा, यानी इसकी मिनिमम जीरो जाएगी। तो जब जीरो रखेंगे तो वन प्लस जीरो हमें वन मिल जाएगा, और जब जो है वन रखेंगे तो वन प्लस वन टू मिल जाएगा, यानी ये जो है वन से टू के बीच लाई करेगी रेंज इसकी जाएगी। और रेंज ऑफ कॉस स्क्वायर थ्री एक्स का अगर लिखें तो कॉस स्क्वायर थ्री एक्स का लिखें तो इसकी रेंज जो है हमारी जीरो से वन के बीच में जाएगी। सो द गिवन इक्वेशन होल्ड्स इफ, अब ये इक्वल कब होंगे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पर वन पॉइंट पे वन पर ये दोनों इक्वल मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वन प्लस साइन की पावर फोर एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थ्री एक्स।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो साइन की पावर 4x 0 आ जाएगी, 1 कट जाएगा, और इनको एक साथ इक्वल लेंगे तो कॉस स्क्वायर 3x जो है 1 के इक्वल आ जाएगा। अब उसके बाद इनको जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा आ जाएगा वैल्यू, सिंस एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ, और क्या कह रहा है, एक्स जो है एलिमेंट है माइनस 5π/2 से 5π/2 तक, एक्स इज़ द एलिमेंट ऑफ माइनस 5π/2 से 5π/2 तक, तो देयरफोर तो यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे निकालेंगे तो पहली वैल्यू एक्स की क्या आ जाएगी अगर सॉल्व करेंगे तो हमारी आएगी माइनस 2π पे, फिर हमारी किस पे आ जाएगी, जीरो देगा साइन एक्स माइनस पाई पे, फिर जीरो पे देगा, फिर पाई पे देगा और 2π पे देगा, तो हमारे जो है इस तरीके से 5 वैल्यूज़ आएंगे जो इसके अंदर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 450 डिग्री से लेकर के प्लस 450 डिग्री के बीच में, तो माइनस 360 भी इसके अंदर में है, माइनस 180 भी इसके अंदर में है, जीरो भी इसके अंदर में है, 180 भी इसके अंदर में और 360 भी इसके अंदर में, इन सब पे जो है ये वैल्यू जो है जीरो हमें देगा, तो इस कारण से ये जो है हमारा वैलिड हो गया, यानी 5 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एक्स इज पॉसिबल हो गया। तो इस तरीके से 5 इज़ द करेक्ट आंसर हो गया 55 का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। 56 कह रहा है कि लेट एस इज इक्वल टू थीटा इज द एलिमेंट ऑफ माइनस 2π से 2π, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, देन द सम ऑफ द एलिमेंट्स एस इज, सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो कितना होगा ये पूछ रहा है, तो आइए इसको निकालते हैं कि कैसे हमारा जो है ये आंसर आया है। तो सम निकालने के लिए 56 है, तो यहाँ सबसे पहले हमको दिया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आगे कि 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये जगह 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 प्लस 1 साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एक तो साइन थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है और एक यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू -1/2 के इक्वल आ रही है, तो ये तो इनवैलिड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1 तक ही जाती है, इतनी नहीं होती, इसलिए अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, साइन थीटा जो है हमारा -1/2 है, तो इससे जितने भी एंगल आते हैं हम लोगों को निकालते हैं, लेकिन रेंज हमें ध्यान रखना है, 56 क्वेश्चन में रेंज दिया कि -2π से प्लस 2π, मतलब -360 से प्लस 360 के बीच में ही एंगल हमें जितने आएंगे वही लेना है, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 6, ये हो गया साइन 30 डिग्री पर देगा। अब जो है किन किन पर देगी वैल्यू लिख लेते हैं, तो थीटा इक्वल टू पहला तो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव देगा, तो लिख सकते हैं 2π माइनस पाई बाय 6, और एक तरीका लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग माइनस ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 6, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव देता है, लेकिन अगर इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम लोग माइनस साइन यहाँ बाहर लगा दें तो भी यही चीज़ माइनस आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है हम लोग एक और वैल्यू देगा हमारा कि माइनस थीटा पर, यानी माइनस पाई बाय 6 पर देगा, और एक वैल्यू देगा कि थर्ड क्वाड्रेंट पर, यानी पाई प्लस पाई बाय 6 पर ये देगा। अब इससे ज़्यादा हम लोग ले नहीं सकते क्योंकि थीटा की जो लिमिट है वो हमें जो है माइनस 2π से 2π के बीच में ही लेना है, ये चीज़ है। तो हम सम करेंगे, तो सम ऑफ ऑल ऑल सॉल्यूशंस, जितने सॉल्यूशन का सम करते हैं तो 2π माइनस पाई बाय 6, फिर माइनस पाई प्लस पाई बाय 6, फिर माइनस पाई बाय 6, फिर प्लस पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है माइनस पाई और प्लस पाई कैंसिल हो गया है,
और माइनस पाई वाई से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो टोटल 2 पाई आया है। तो 2 पाई हमारा आंसर हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया है 56। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 57 पर। तो 57 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ साइन 4 अल्फ़ा प्लस 4 cos की पावर 4 बीटा प्लस 2 = 4√2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, अल्फ़ा कॉमा बीटा इज द एलिमेंट ऑफ 0, π, देन कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू,